हेलो गाइस, वेलकम टू द पाइथन फुल कोर्स इन हिंदी फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस्ड। तो आज हमारा फोर्थ वीडियो होने जा रहा है। तो अभी तक हमने तीन वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। ये फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था पाइथन का प्रोग्राम रन कैसे करना है, ऑपरेटर्स इन पाइथन। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी हैं पाइथन में, हाउ टू यूज़ इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ, ये सारे का सारा डिस्कस किया। कल हमने डिस्कस किया लूपिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन, व्हाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, रेंज फंक्शन क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ करनी है, इनके प्रोग्राम्स किए। तो टुडे आई विल डिस्कस स्ट्रिंग इन पाइथन। तो पाइथन में स्ट्रिंग्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन से हैं, हाउ यू कैन यूज़ स्ट्रिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से एक फाइल क्रिएट की, स्ट्रिंग प्रैक्टिस डॉट पाइथन। तो स्ट्रिंग, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग है। सबसे पहले तो इसको कैसे प्रिंट करना है, तो सिंपल इसकी आउटपुट देखो क्या आ गई, इसकी आउटपुट आ गई यूनिवर्सिटी। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्ट्रिंग लेते हैं और उसकी वैल्यू है कॉलेज। तो लेट प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो आउटपुट क्या आ गई, यूनिवर्सिटी, फाइन और कॉलेज। हाउ टू प्रिंट द लास्ट वैल्यू, लास्ट करेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग। नेक्स्ट, प्रिंट लास्ट करेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग। तो सिंपल कैसे, कैसे लास्ट करेक्टर इज, हमने लास्ट करेक्टर देखना है एम का, तो क्या सिंपली पास माइनस वन। तो लास्ट करेक्टर देखो, कॉलेज का लास्ट करेक्टर क्या है, ई है, तो सिंपली इस पे आउटपुट पे फोकस करिए, तो लास्ट करेक्टर क्या आ गया, ई। फाइन, सिमिलरली यू कैन स्लाइस द, स्लाइस सम वैल्यूज, जैसे स्लाइसिंग फ्रॉम सेकेंड टू फिफ्थ करेक्टर। तो उसके लिए कैसे होगा, सेकेंड करेक्टर मीन्स वन इंडेक्स से सिक्स्थ इंडेक्स तक, फिफ्थ इंडेक्स तक जाना है, ठीक है। तो स्लाइसिंग फ्रॉम सेकेंड टू फिफ्थ करेक्टर, कॉलेज है ये सेकेंड करेक्टर हो गया, थर्ड एल, फोर्थ भी एल और फिफ्थ करेक्टर भी ई, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिंट द मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे करना है। जैसे सपोज करो आपके पास स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी लिख लेते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग, तो इसको प्रिंट करवाते हैं, क्या ये परफेक्टली प्रिंट होगा, नहीं, ये एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एरर शो करता हूँ आपको, क्या है, एंड एरर आ गया, वाइल स्कैनिंग लिटरल। फाइन, एरर क्यों आ गया, कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करना है तो ऐसे नहीं यूज कर सकते, उसके लिए आई हैव टू यूज ट्रिपल कोट्स, क्या। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए याद रखना है, पहले देखो सिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमने पहले करके देखा तो एदर आ गई, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए आपका जो भी स्ट्रिंग है उसको आपको तीन कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो देखो आ गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग, फाइन। तो अभी हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे थोड़े से स्ट्रिंग की और फंक्शंस देखते हैं, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन देखते हैं।
है। तो चलो एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए, ताकि कल को जब मैं ये आपको फाइल सेंड करूं तो आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। तो स्ट्रिंग प्रैक्टिस टू इसका नाम रख लेते हैं। तो ये है, इसमें हम सबसे पहले करेंगे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए क्या है, एक स्ट्रिंग ले लिया स्ट्रिंग वन, उसकी वैल्यू है सपोज इंडियन, और स्ट्रिंग टू ले लिया उसकी वैल्यू है गवर्नमेंट। तो कंकैटिनेशन के लिए क्या होगा, सिंपली यू हैव टू यूज प्लस सिंबल। सो स्ट्रिंग थ्री इक्वल्स टू स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्ट्रिंग थ्री को। तो लेट्स सी द आउटपुट। तो आउटपुट क्या आई, आउटपुट आई इंडियन गवर्नमेंट। दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो गए, लेकिन अगर आपको इनमें स्पेस भी चाहिए तो कंकैटिनेट आपको विद स्पेस करना पड़ेगा। तो स्पेस दे दी और फिर कंकैटिनेट कर दिया। तो देखो परफेक्ट, स्ट्रिंग वन इंडियन, स्ट्रिंग टू गवर्नमेंट, और उनके बीच में ये स्पेस आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं स्ट्रिंग रेपिटेशन। स्ट्रिंग रेपिटेशन मतलब अगर आपने स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग को रिपीट करना हो तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए ये कमेंट में लिख देता हूँ, स्टार ऑपरेटर इज यूज टू रिपीट अ स्ट्रिंग। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी। स्ट्रिंग वन, देखो स्ट्रिंग वन में क्या है, स्ट्रिंग वन में इंडियन है, तो इसको मैंने 3 बार रिपीट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। तो स्ट्रिंग वन को 3 बार रिपीट करेंगे तो क्या आएगा, इंडियन इंडियन इंडियन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। फाइन, इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम करते हैं आइट्रेटिंग थ्रू आ स्ट्रिंग। आइट्रेट कैसे करना है स्ट्रिंग को, ठीक है। आइट्रेटिंग का मतलब प्रिंट द करेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग के करेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो कौन से स्ट्रिंग के, चलो इस स्ट्रिंग के करेक्टर्स प्रिंट करवाते हैं स्ट्रिंग टू के, जिसकी वैल्यू है गवर्नमेंट। तो आइट्रेट करने के लिए क्या यूज होगा, फॉर लूप, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, कल भी किया डिस्कस, ठीक है। सो फॉर सी एच इन स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग टू ले लेते हैं, स्ट्रिंग टू मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम प्रिंटिंग सी एच। तो लेट्स सी द आउटपुट। तो देखो परफेक्ट, ये सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं वो आगे, लेकिन ये क्या है कि सारे के सारे न्यू लाइन में आ रहे हैं, है ना। अगर मैंने इनको सेम लाइन में प्रिंट करवाना हो तो आई हैव टू यूज एंड इक्वल्स टू दिस वन। तो देखो ये सारे के सारे आगे, देखो एंड इक्वल्स टू, यहां पे स्पेस दे दी, मतलब ये सारे करेक्टर्स अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट हम करते हैं कि जैसे चलो काउंटिंग नंबर ऑफ अकुरेंसीज ऑफ एक पर्टिकुलर करेक्टर। किसी स्ट्रिंग में एक करेक्टर कितनी बार आ रहा है, या अगर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई एक सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड जो है वो कितनी बार आ रहा है। तो हमारा स्ट्रिंग टू क्या था, हमारे स्ट्रिंग टू में वैल्यू थी, स्ट्रिंग टू में हमारे वैल्यू थी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें इसको देखते हैं, इसमें देखो ई जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। तो हमने इसकी काउंटिंग करनी है कि इस स्ट्रिंग में ई कितनी बार आ रहा है, जस्ट एग्जाम्पल। तो उसके लिए पहले तो आइट्रेट तो करना ही पड़ेगा जैसे पहले किया। अब मैं मैच करूंगा, अगर मेरा करेक्टर किसके इक्वल, मैंने बोला अभी ई के इक्वल है, अच्छा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं काउंट, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, और अगर मेरा करेक्टर ई के इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देता, ठीक है जी। तो क्या है, सिंपल सा कोड है, काउंट स्टार्टिंग में 0 है,
और आइट्रेट तो करना ही पड़ेगा ना, पहले मुझे इसके साथ मैच करना पड़ेगा, जी के साथ, फिर ओ के साथ, फिर वी के साथ, इस तरह से। और जैसे ही करेक्टर की वैल्यू ई से मैच होती है, मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, है ना, सिंपल, सो सिंपल। तो प्रिंट करवा देते हैं, तो प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट क्या करवाना है, हमने प्रिंट करवाना है स्लैश एन, नई लाइन के लिए हमने प्रिंट करवाना है ई कितनी बार आ रहा है, ई अकर्स कितनी बार, उसकी वैल्यू काउंट से आएगी, सो काउंट फाइन टाइम्स इन स्ट्रिंग, कौन सा है हमारा, हमारा स्ट्रिंग है स्ट्रिंग टू। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा लाइन कि ई अकर्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी भी काउंट की वैल्यू होगी। तो देखो ई अकर्स टू टाइम्स इन गवर्नमेंट, तो ई गवर्नमेंट में दो बार आ रहा है, तो परफेक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, देखो हमने काउंट फंक्शन भी बना लिया एक किस्म का, कि काउंटिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर करेक्टर की। अब थोड़े से स्ट्रिंग के और फंक्शंस देख लेते हैं फटाफट से। स्ट्रिंग हमारा सपोज करो टू, अगर मैं इसको लिखता हूं अपर तो क्या होगा, तो देखो ये मैं सारे के सारे इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, अपर केस में आ गई। अगर मैं लिखता हूं लोअर तो क्या हुआ, तो सारी की सारी वैल्यूज क्या है, वो लोअर केस में आ गई, फाइन। तो अपर फंक्शन कर लिया, लोअर फंक्शन कर लिया, अब करते हैं फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये जहां तो कोई सब स्ट्रिंग फाइंड करता है या पर्टिकुलर करेक्टर फाइंड करता है, ठीक है। तो फाइंड हमने क्या करना है, सपोज करो हमने फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टू जो कि जिसकी वैल्यू है गवर्नमेंट, उसमें आर जो है वो कहाँ पे है। तो रन किया तो कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पे, मतलब इंडेक्स रिटर्न करता है ना। यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स। तो अभी हमारा स्ट्रिंग कौन सा था, हमारा स्ट्रिंग टू था गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें देखो आर कहाँ पे है, ये जी जो है जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स, टू, थ्री, फोर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, फोर आया, ठीक है। अभी एक और कर लेते हैं, सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है फोर और उसकी वैल्यू है गुड, और मैं अभी आपको रिप्लेस फंक्शन करवाने जा रहा हूँ कि स्ट्रिंग फोर में एक स्ट्रिंग है गुड और मैं रिप्लेस करना जा करने जा रहा हूँ जी को, किसको किसके साथ रिप्लेस करना है, जी को एफ के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। और मैंने उसके बाद प्रिंट करवा दिया किसको, स्ट्रिंग फाइव को। तो अभी क्या होगा, स्ट्रिंग फोर कौन सा है, गुड, और जी को मैंने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, जी को रिप्लेस कर दिया एफ के साथ, तो जी की जगह पे एफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फूड, ठीक है। तो अभी आज हमने जो भी किया, जस्ट अ क्विक रिवीजन कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करना है, प्रिंट कैसे करना है, स्लाइसिंग कैसे करनी है स्ट्रिंग की, हाउ टू प्रिंट लास्ट करेक्टर, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करवाना है, ठीक है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कैसे करनी है ये बताया, स्ट्रिंग की रेपिटेशन कैसे करनी है, हाउ टू प्रिंट द करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हाउ टू आइट्रेट थ्रू अ स्ट्रिंग, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ अकुरेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर करेक्टर, ठीक है ना। और ये अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, फाइंड फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन किया। तो अभी स्ट्रिंग के बेसिक्स में हम इतना ही करते हैं,
ठीक है, थोड़े कुछ लेक्चर्स के बाद स्ट्रिंग के थोड़े एडवांस फंक्शंस भी यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा इसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।